हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है दमन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डी एंड टेक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोटो टॉप 5 अपकमिंग स्मार्टफोन इन नवंबर 2023। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमारी लिस्ट का नंबर 1 फोन है मोटो एज 5G 2023। इस फोन के अंदर हमें एंड्रॉयड 13 देखने के लिए मिल जाता है। चलिए बात करते हैं इसकी डिस्प्ले के बारे में। 6.6 इंचेस की फुल HD 144 हर्ट्ज की OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है इस फोन के अंदर। इन सभी को पावर देने के लिए इसके अंदर हमें MediaTek Dimensity 1050 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है। 50+, 13+, 8 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की हमारी सेल्फी होने वाली है। ये फोन हमें 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसके अंदर 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 30W का फास्ट चार्जर। इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है 19,000। लॉन्च डेट की बात करें तो 20 नवंबर 2023 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट होने वाली है। हमारी लिस्ट के दूसरे नंबर के फोन के बारे में बात करें तो इस फोन का नाम होने वाला है मोटो एज 40 लाइट 5G। इस फोन के अंदर हमें एंड्रॉइड 13 देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.48 इंचेस की OLED 120Hz की फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इन सभी को पावर देने के लिए इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। चलिए बात करें इसके कैमरा सेटअप के बारे में। डुअल कैमरा सेटअप के साथ में फोन देखने के लिए मिल जाता है। मेन कैमरा हमारा 64 मेगापिक्सल का होगा प्लस 13 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करें तो 32 मेगापिक्सल की हमारी सेल्फी होने वाली है। ये फोन हमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसके अंदर 4020mAh की बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 68W का फास्ट चार्जर। इस फोन की प्राइस की बात करें तो इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली 19,000। चलिए बात करें इसकी लॉन्च डेट की। लॉन्च डेट होने वाली 26 नवंबर 2023। चलिए बात करते हैं लिस्ट के तीसरे नंबर के फोन के बारे में। इस फोन का नाम होने वाला है मोटो X40। इस फोन के अंदर हमें एंड्रॉइड 13 देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.67 इंचेस की OLED 165Hz की फुल HD डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इन सभी को पावर देने के लिए इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। चलिए बात करें इसकी कैमरे की। ट्रिपल कैमरे सेटअप के साथ हमें फोन देखने के लिए मिल जाता है। मेन कैमरा हमारा 50 मेगापिक्सल का होगा प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करें तो 60 मेगापिक्सल की हमारी सेल्फी होने वाली है। ये फोन हमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसके अंदर हमें 4600mAh की बड़ी बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जिसको चार्ज करेगा 125W का फास्ट चार्जर। इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है 50,000। इस फोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट होने वाली है 15 नवंबर 2023। चलिए बात करते हैं लिस्ट के चौथे नंबर के फोन के बारे में। इस फोन का नाम होने वाला है मोटो G200। इस फोन के अंदर हमें एंड्रॉइड 13 देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.8 इंचेस की IPS LCD फुल HD 120Hz की डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इन सभी को पावर देने के लिए इसके अंदर स्नैपड्रैगन 888+ 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। इस फोन के अंदर हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा। मेन कैमरा हमारा 108 मेगापिक्सल का होगा प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की हमारी सेल्फी होने वाली है। ये फोन हमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसके अंदर 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 33W का फास्ट चार्जर। इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है 26,000। एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट की बात करें तो इस फोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट होने वाली है 28 नवंबर। चलिए बात करते हैं लिस्ट के लास्ट फोन के बारे में। इस फोन का नाम होने वाला है मोटो G71S। इस फोन के अंदर हमें एंड्रॉइड 13 देखने के लिए मिल जाता है। डिस्प्ले की बात करें तो 6.6 इंचेस की फुल HD OLED डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है, जिसको स्मूथ करेगा 120Hz का रिफ्रेश रेट। इन सभी को पावर देने के लिए इसके अंदर स्नैपड्रैगन 695 5G प्रोसेसर देखने के लिए मिल जाता है। ये फोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। मेन कैमरा हमारा 50 मेगापिक्सल का होगा प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। सेल्फी की बात करें तो 16 मेगापिक्सल की हमारी सेल्फी होने वाली है। ये फोन हमें 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। इन सभी को ऑन रखने के लिए इसके अंदर 5000mAh की बड़ी बैटरी दी गई है, जिसको चार्ज करेगा 33W का फास्ट चार्जर। इस फोन की एक्सपेक्टेड प्राइस होने वाली है 20,000। ये फोन हमें इंडियन मार्केट के अंदर 20 नवंबर को देखने के लिए मिल सकता है। तो ये थे कुछ फोन जो आपको मोटोरोला की तरफ से देखने के लिए मिल जाते हैं 2023 नवंबर के अंदर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।